दोस्तों हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत के लिए फ्रांस से एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, जहां फ्रांस जल्द ही भारत में तैयार किए गए पिनाकर रॉकेट सिस्टम को खरीदने जा रहा है। अब ये डेवलपमेंट भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि फ्रांस जैसे देश जो कि डिफेंस सेक्टर में इतने ज्यादा पावरफुल है, जो कि भारत के लिए काफी बड़े सप्लायर देश है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर फ्रांस जैसे देश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली भारत वो पावर आ चुकी है जिसकी तैयारी हम कई सालों से कर रहे हैं। दूसरी खबर भारत के तेजस MK2 से सामने निकल के आ रही है, जहां HAL ने ऑफिशियली इस बात का कंफर्मेशन दे दी है कि कब इस नए फाइटर जेट के इंजन की डील होने वाली है। तीसरी खबर भारत के लिए चिंता की खबर हो सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका के जिन ड्रोन्स को खरीदने वाला है रिसेंटली उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार के गिराया गया है। चौथी खबर भारत और ब्राजील से सामने निकल के आ रही है, जहां ब्राजील में होने वाली G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए ब्राजील की यात्रा पर जाने वाले हैं और वहां पर कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भारत और ब्राजील के बीच में किए जा सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और फ्रांस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो फाइनली फ्रांस भारत से पिनाकर रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। तमाम तरीके के रिव्यूज इस रॉकेट सिस्टम के किए जा रहे हैं और इस बात की कंफर्मेशन खुद फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रेजे ने दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं और इसे पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद जल्द ही हम भारत के साथ इस डील को फाइनल स्टेज पर ले जाने की तैयारी में हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी आपस में बातचीत भी शुरू हो चुकी है। अब फ्रांस की बात की जाए तो भारत के जो टॉप डिफेंस पार्टनर हैं उसमें अमेरिका, इजराइल, रशिया, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। फ्रांस वो देश है जिससे हम तमाम तरीके के हथियार खरीदते हैं, इसके बावजूद भी फ्रांस भारत से इस रॉकेट सिस्टम को खरीद रहा है। इससे साफ पता चलता है कि भारत ने काफी मेहनत के बाद और काफी कम प्राइस पर ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स बना करके तैयार किए हैं ताकि फ्रांस इनका इस्तेमाल कर पाए। आज के समय में फ्रांस के पास बहुत ही एडवांस रॉकेट सिस्टम नहीं है और कुछ गिने चुने रॉकेट सिस्टम है जो कि इतनी इफिशियंसी के साथ काम नहीं करते। अब फ्रांस चाहे तो इन्हें खुद से डेवलप कर सकता है लेकिन उसमें एक लंबा समय लग सकता है, तो क्यों ना एक ऐसे देश के साथ पार्टनरशिप की जाए जो कि सेम इसी क्वालिटी के एडवांस लॉन्चर्स तैयार कर रहा है, साथ ही साथ कम प्राइस पर उन्हें बना रहा है, तो क्यों ना उन्हें डायरेक्टली खरीद लिया जाए। साथ ही फ्रांस की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों ही देश स्कॉर्पियन और तमाम तरीके की पनडुब्बियों प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं और दोनों ही देश लंबे समय से डिफेंस पार्टनर रहे हैं। ऐसे में हम भारत को छोड़कर के किसी और देश से कैसे हथियार खरीदने के बारे में सोच सकते हैं जिनके साथ हमारी सालों पुरानी दोस्ती है और सालों पुराने हम डिफेंस पार्टनर हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिनाका सिस्टम को भारत की सोलर इंडस्ट्रीज, L&T, टाटा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे बड़ी कंपनियों ने एक साथ मिलकर के तैयार किया है। और कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो पिनाके की मैक्सिमम रेंज 45 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर के बीच की है और एक पिनाका सिस्टम 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है इन 44 सेकंड्स और एक बैटरी के अंदर करीब 12 रॉकेट्स इंस्टॉल होते हैं। पिनाका को आसानी से किसी भी ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम है, ऑटो लेवलिंग है, स्टेबिलाईजेशन एंड एबिलिटी टू प्रोग्राम भी है जो की ऑल रॉकेट्स इन 20 सेकंड्स के अंदर फायर कर सकती है। और आप जानते होंगे कि पिनाका को लेकर के भारत और आर्मेनिया के बीच में ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट डील साइन हो चुकी है, कुछ पेमेंट्स भारत को भी रिसीव हो चुके हैं और जल्द ही भारत इनकी डिलीवरी करने वाला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के तेजस MK2 से सामने निकल के आ रही है, जहां रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक सुनील कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ F414 इंजन की खरीद की जो डील है वो 2025 के मिड यानी कि जून जुलाई के महीने में फाइनल कर ली जाएगी। सो दैट भारत के जो तेजस MK2 तैयार किए जा रहे हैं इनके इंजन की सप्लाई भी हम जल्द से जल्द भारत में कर सकें। लेकिन कुछ समय पहले इसकी चर्चा भी तेज हुई थी कि क्यों ना हम F414 इंजन का इस्तेमाल तेजस MK1 के अंदर कर लें, क्योंकि इनके अंदर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस कर लिए जाएं तो इन्हें इजीली MK1 में फिट किया जा सकता है। लेकिन करंट स्टेटस के हिसाब से हमें F404 साथ MK1 में काम करना चाहिए और F414 के साथ MK2 पर काम करना चाहिए। अगर इस इंजन की डिटेल्स की बात की जाए तो ये 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और इसे तेजस MK2 को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। इसके अलावा F414 में एडवांस थ्रस्ट वेक्टरिंग और डिजिटल कंट्रोल टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है और इसकी कंट्रोल प्रोसेस है, इसे बहुत एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस डील में अमेरिका डिले भारत को नहीं करा सकता, क्योंकि 99 इंजन का जो उत्पादन है वो HAL के साथ मिलकर के किया जाएगा।
जाएगा और एग्रीमेंट्स में ये तक प्रॉमिस किया जा सकता है कि 80% ऑफ द टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाए। तो इस डील से भारत को काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और इसीलिए भारत बहुत ही सीरियसली होकर के इसकी प्रिपरेशन कर रहा है कि इस एग्रीमेंट को किस बेस पर हम साइन करेंगे और कैसे इसको स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये जो 80% टेक्नोलॉजी शेयरिंग का मामला है भारत इसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। और अगर 98 किलो न्यूटन का पावरफुल के इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में लग जाएगी तो डेफिनेटली हम अपने डोमेस्टिक इंजन को प्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा पाएंगे और इसीलिए ये डील भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और शायद भारत इसमें किसी भी तरीके की कंडीशन अमेरिका के सामने न रखे, बस सिर्फ एक कंडीशन हो कि जो 80% टेक्नोलॉजी शेयरिंग है इसे किया जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बिट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच हुई MQ-9 रीपर ड्रोन से सामने निकल के आ रही है जो एक के बाद एक डैमेज होने की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। यदि आपको याद हो तो सेम ऐसे ही ड्रोन दो भारत ने लीज पर ले रखे हैं जिन्हें बे ऑफ बंगाल के पास तैनात किया गया, जिनमें से एक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पानी के अंदर जा गया और एक अभी भी भारत के अंदर तैनात है। और भारत ने करीब 31 ऐसे ही ड्रोन खरीदने के लिए करीब $3.5 अरब की डील अमेरिका के साथ रिसेंटली ही फाइनलाइज की है, लेकिन इसके डैमेज होने की खबरें जब जब सामने आई हैं तब तब अमेरिका ने चुप्पी साधी है। और एक बार फिर मामला सामने आ चुका है जहां पर हुती विद्रोहियों ने इसराइल के नेवातियम एयरबेस के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाने का दावा किया और इसी के साथ अमेरिका के इस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, जबकि इस ड्रोन के पास कई ऐसी बड़ी ताकतें हैं और बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जहां पर इस तरीके के हमलों से बचा जा सकता है। इसके बावजूद भी आखिर इस ड्रोन ने एक्यूरेसी के साथ काम क्यों नहीं किया, इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका अपनी इस बात पर चुप्पी तोड़ता है या फिर नहीं, लेकिन इस खबर के सामने आते ही कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि अब इस ड्रोन की तरफ जाना बेवकूफी है। और यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि रशिया ने भी सेम इसी तरीके के एलिगेशन या फिर कहें क्वेश्चंस भारत के सामने रखे हैं कि ये ड्रोन छोटे देशों की मदद कर सकते हैं, भारत जैसे देशों की मदद नहीं की जा सकती, जहां पर भारत के एक एंगल पर चाइना है और दूसरे एंगल पर पाकिस्तान। तो ये डील भारत को सोच समझ करके करनी चाहिए थी। बाकी आपके इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो G20 समिट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए ब्राजील दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह ब्राजील दौरे पर जाएंगे जहां G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री दो अफ्रीका के देशों का भी दौरा कर सकते हैं और ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में G20 सम्मेलन के लिए 18 और 19 नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर रहेंगे। और इस साल G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है, 2023 में ये भारत के पास थी जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आपको बता दें G20 समिट के अंदर G20 के सभी 19 सदस्य, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन भी शामिल होने वाले हैं और कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर को फाइनलाइज करने के ऊपर बात आगे बढ़ सकती है जो कि इन फ्यूचर भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।